हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट से पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोल सवाल पूछे हैं। अपनी उपलब्धियां गिनाकर सीएम खट्टर ने पंजाब सीएम से पूछा कि किसान विरोधी कौन है। दरअसल पंजाब सीएम कैप्टन ने खट्टर पर किसान विरोधी होने का आरोप जड़ा था। उनका गुस्सा करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर था। अमरिंदर सिंह ने अशांत माहौल के लिए बीजेपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि संकट इतना गंभीर नहीं होता अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी ने किसानों की चिंताओं पर ध्यान दिया होता। उन्होंने कहा कि खट्टर के किसान विरोधी एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब पर आंदोलन की जिम्मेदारी डालकर प्रदर्शनकारी किसानों पर आपराधिक हमले का बचाव करने की कोशिश की। सीएम कैप्टन ने कहा कि क्या आपको दिखाई नहीं देता कि आपके अपने राज्य के किसान आपसे नाराज हैं? किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए पंजाब या किसी अन्य राज्य से उकसावे की जरूरत नहीं है। पंजाब को दोष देने के बजाय कृषि कानूनों को रद्द करें। पंजाब सीएम के इस हमले के बाद खट्टर ने उनका जवाब देने के लिए अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। खट्टर ने कहा कि हम 10 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं जबकि अन्य राज्यों में गेहूं और धान ही खरीदा जा रहा है। एक के बाद एक करके 7 ट्वीट खट्टर ने किए। इसमें अमरिंदर को टैग किया गया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा किसानों को 12% ब्याज फसल के लेट होने पर करता है तो उन्हें 5,000 प्रति एकड़ का मुआवजा धान की सीधी बुआई पर करता है। गन्ने के दामों पर भी खट्टर ने पंजाब सीएम को घेरा। बता दें कि करनाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर हरियाणा सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में पंजाब के कैप्टन ने सीएम खट्टर को इस्तीफा देने की नसीहत भी दी थी, जिसके बाद चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता में खट्टर ने भड़कते हुए कहा था कि वो कौन होते हैं इस्तीफे की सलाह देने वाले। बहरहाल उसके बाद अब दोनों सीएम के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया है। ऐसे में इन दोनों की खींचतान को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।